तो ये सीन देख के जरूर बताना क्या यहाँ पे मैं बच पाऊंगा या नहीं। तो ये जाने के लिए एंड तक बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 38 वॉर गेमिंग। और आज के गेम प्ले में भाई क्या ही तबाही होने वाली है अपार्टमेंट के ऊपर। इतने सारे स्क्वाड आने वाले थे, आप सिर्फ देखना, सिर्फ वहाँ पे आप एंड तक में मेरे कितने किलो थे सिर्फ देखना, आप बहुत मज़ा आएगी गेम प्ले में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो जो नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि अगली गेम प्ले की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन से ही पता चलेगा। और हो सके तो लिंक को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझे फॉलो कर सकते हो। यार आप लोग फॉलो नहीं करो, फटाफट आके फॉलो करो, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी छोटी छोटी वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। तो फटाफट आके फॉलो करो। तो अब उतरते हैं हम लोग स्कूल अपार्टमेंट पे और यहाँ पे देखना भाई कितनी स्क्वाड आने वाली है। दो बंदे तो भाई हमारी बिल्डिंग पे ऊपर ही उतरते हैं। तो भाई जैसे मैं बिल्डिंग पे उतरता मुझे एक भाई पिस्तल मिल जाती है और भाई बंदा सामने, तो भाई सबसे पहले इसको भरते हैं। तो इसको तो मैं नॉक कर देता हूँ और नॉक करके भाई सीधा जंप करता हूँ कि इसको फिनिश कर दूँ। और इतने में भाई जैसे नीचे जंप करता हूँ एक और बंदा उसका भाग के सामने की साइड जाता है, तो मैं इसको भी मारता हूँ। मगर भाई वो तो वहाँ पे बच जाता है, तो मैं सबसे पहले अपना किल सिक्योर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई किल सिक्योर करना ज़रूरी है, नहीं तो वरना ये उठ के भाई हमको आगे से मारेगा। तो उसको तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर लूट करते हैं। और लूट में तो भाई यहाँ पे बहुत ही कम लूट मिलती है, क्योंकि भाई इतने सारे बंदे होते हैं और भाई लूट में कुछ भी नहीं होता है। तो मैं चेतन को बोलता हूँ भाई तेरे पास दो गन हो तो एक गन मुझे दे दे। तो चेतन मुझे बाईजन देता है, जिसके साथ मेरे को देता है सिर्फ 45 MO समथिंग। तो भाई अब मेरे पास सिर्फ 47 के 48 MO बची है और कुछ नहीं होता है जो चेतन ने दिया होता मुझे। और बंदे देखना भाई कितने सारे आजू बाजू सारे बिल्डिंग्स में बंदे ही बंदे होते भाई। ये देखो डिटेक्टर में यहाँ पे नीचे तीन बंदे। तो सबसे पहले तो मैं एक मौली डालने ही करता, मगर भाई वो बंदा नीचे की साइड पता नहीं चला जाता है। तो भाई ये देखना भाई यहाँ पे क्या सीन है, तो मैं ऊपर से मारने ही करता मगर भाई मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही मार देता हूँ। ये चेतन मारने वाला था मगर भाई मैं इसका किल छोड़ लेता था। यहाँ पे मुझे एक एम मिल जाती है, वो भी चेतन उठा लेता है भाई। तो इतने में भाई एक बॉट पीछे था, वो बॉट को भाई सामने वाली बिल्डिंग से मार देता है, चेतन वाली बिल्डिंग से। तो मुझे लगता है कि भाई चेतन ने नॉक किया मगर, तो मैं फिनिश नहीं करता एमओ बचाने के लिए, मगर भाई वो सामने वाले ने मारा था। अगर मैं मार देता तो ये किल मुझे मिल जाता। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब मेरे पास बच्चे सिर्फ 33 MO और बंदे बहुत सारे होते हैं, देखना अब बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। इतने में चेतन सामने की बिल्डिंग में एक ट्रैकर डालता है और एक बंदा टेरेस पे स्पॉट होता है, तो भाई उसको मैं डैमेज देता हूँ और चेतन भाई उसको मार देता है। तो यहाँ पे तो सामने एक ही बंदा था, तो मैं चेतन को बोलता चल भाई चल सामने जाते उसकी लूट लेते, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो हम लोग फटाफट जाते सामने की बिल्डिंग पे। तो भाई ये बंदा भी गरीब होता है, इसके पास भी एक मिनी होती है, मगर भाई एक आम अच्छा होता है कि इसके अंदर से मुझे बाइजन की एमओ मिल जाती है, जो कि मेरे पास सिर्फ 21 थी। तो अभी मेरे पास हो जाती भाई 53 MO प्लस 42। तो भाई अब मेरे पास है इतनी एमओ और यहाँ पे मुझे शॉटगन भी मिल जाती, तो मैं वो भी उठा लेता। और अब बंदे जो कि सामने रेड घर में, अब वो बंदों को मारना है। और भाई वो बंदों को भी हम लोग क्या ही डैमेज देते हैं, मगर भाई पता नहीं ये देखना इतना हेड मारने के बाद भी ये बंदा मरता नहीं, पता नहीं कैसे नहीं मरता। तो इतना सारा मैं डैमेज देता हूँ उसको हेड के ऊपर, मगर भाई वो बंदा मर नॉक भी नहीं होता है। तो पता नहीं अब क्या, इतने नीचे एक बॉट आता है तो सबसे पहले मैं इसको मारता हूँ और इसके अंदर से AKM मिल जाती, तो भाई एक गन तो मुझे मिल गए। तो ये फटाफट AKM उठाता और मैं सीधा मैं बिल्डिंग की तरफ भागता, क्योंकि सामने की साइड भी बंदे होते। इतने चेतन एक ट्रैकर डालता और सामने की साइड एक बंदा स्पॉट हो जाता, तो मैं चेतन बोलता चल हम लोग बड़ी बिल्डिंग पे जाते और वहाँ से फिर सीधा एक ही बंदा है ना रश कर देते उसके ऊपर। तो भाई हम लोग सीधा डायरेक्ट उसके ऊपर ही रश कर देते। इतने चेतन मुझे बोलता भाई एक ट्रैकर डाल, मैं छोड़ना एक ही बंदा हम दोनों में तो कोई एक ही ना होगा घुस जाते। तो भाई मैं सीधा उसको मार देता हूँ, फ्री फायर देख ही जाता और भाई इसको पेटी बना देता यहाँ पे। हालांकि भाई बेचारे के पास भी कोई लूट होती नहीं है, इसके बाद भी एक ब्यूटन पड़ी होती है और एक शॉटगन ही होती है, तो इसको मार दे। अब बारी है जो कि रेड घर में तीन बंदे तो उनकी बारी होती है अब, मगर रेड घर में तीन नहीं अब दो ही बंदे होते हैं, वो दोनों को देखो कैसे मारता हूँ मैं। तो इतने में बंदा स्पॉट कर ही रहता हूँ, इतने नीचे की साइड एक बॉट आता है, तो वो बॉट को चेतन मारने नीचे जाता और उसको लूटता है, देखना। और भाई जैसे वो लूटने जाता है सामने से भाई एक बंदा उजी चला के चेतन को नॉक कर देता है। तो भाई मैं उसको थोड़ा सा फ्री फायर देकर पीछे की तरफ धकेलता हूँ और चेतन अंदर घुस जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेतन को रिवाइव दे देता हूँ। इतने भाई चेतन रिवाइव होने के बाद सामने एक बंदे को नॉक कर देता है, तो भाई अब नॉक किया तो भाई सीधा रश करते हैं। तो रश करते हैं सीधा, मैं यहाँ से सबसे पहले तो एक ग्रेनेड निकालता हूँ और भाई सीधा ग्रेनेड डाल देता हूँ घर के अंदर में, क्या अगर रिवाइव हो गया होगा तो नॉक हो जाएगा मगर। और भाई सही में वो रिवाइव हो गया होता है और मेरे ग्रेनेड से भाई ये नॉक हो जाता है, देखना। इतने चेतन सीधा घुस जाता है, वो बंदा चेतन को वापस नॉक कर देता है और यहाँ पे तुम्हारा भाई चेतन को बचा देता है।
अब तौसीफ के सस्ते नशे देखना सिर्फ उसको लगा फ्री फायर देख के आता है तो चेतन बोलता है भाई मर गया आप क्या मार रहा है। तो भाई इस स्क्वाड वाइप के लिए भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर देना भाई। जैसे मैं चेतन को याद है तो इतने में एक और गाड़ी आ जाती है भाई यहाँ पे। भाई क्या हो रहा है भाई इतने सारे बंदे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई फूड मत देना नहीं तो ये घर में हम लोग फंस जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से घर की लोकेशन चेंज करता हूँ। तो मुझे रास्ते में ये पेटी दिखती तो मैं पेटी लूट लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ मेरे टीममेट्स को कि भाई यहाँ पे पेटी के अंदर बहुत सारा माल है आपको जो चाहिए ले लो फटाफट आके। इतने भाई तौसीफ यहाँ पे आ भी जाता है और जैसे तौसीफ यहाँ पे आता है एक जो टीम आई होती है डाशा लेके वो भाई सामने की साइड ही रुकती है और देखना वो तौसीफ की पेटी बनाते वो लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रैकर डाल देता हूँ कि सामने कितने बंदे और कहाँ का है वो पता चल जाए। तो भाई जैसे मैं ट्रैकर डालता हूँ इतने में तौसीफ एक बंदे को नॉक करके सीधा फिनिश ही कर देता है भाई। तो अब बचे भाई सामने दो बंदे। तो भाई मैं सबसे पहले तो यहाँ से सीधा सामने की बिल्डिंग में घुस जाता हूँ। तो घुसने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पे एक मौली क्यों ना डालता हूँ। जो जैसे मौली कुक करता हूँ इतने में भाई एक डाशे और आती है। तो भाई सबसे पहले मैं मौली कैंसिल करके अंदर जाता हूँ। भाई जैसे मैं यहाँ पे घर में घुसता हूँ इतने में भाई तौसीफ को नॉक करके भाई सीधा फिनिश ही कर देते हैं। ये देखना है तौसीफ नॉक हुआ और भाई सीधा फिनिश। तो भाई मैं सबसे पहले यहाँ पे मौली जो हाथ में थी वो फेंक ही देता हूँ यहाँ पे और भाई यहाँ पे सीधा टेरेस पे जाता हूँ और टीपी पी लेता हूँ। इतने भाई एक ट्रैकर आता है तो मैं डिटेक्ट हो जाता हूँ उसके अंदर तो मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मे बी एक ट्रैकर डाल देता हूँ कि यहाँ पे बंदा कहाँ का है वापस एक बार स्पॉट हो जाए। तो जैसे बंदा स्पॉट होता है मैं पीक लेकर मारने की कोशिश करता हूँ। इतने भाई यहाँ पे नेड आता है तो यहाँ पे तो मैं बच जाता हूँ और भाई एक बंदा मुझे दिखता है और सबसे पहले इसको मारता हूँ मैं। तो भाई जैसे मैं इसको नॉक करता हूँ चेतन को अच्छा लॉस करता है फटाफट। मगर भाई यहाँ पे सरप्राइज मिलता है चेतन का नेटवर्क चला जाता है तो वो ऑफलाइन हो जाता है। तब मैं तो घुस गया और मेरे पास थ्रोएबल्स भी नहीं होते कि मैं सीधा मार दूँ। तो भाई मैं सीधा रश कर देता हूँ उन लोग के ऊपर और वो बंदा रिवाइव भी हो जाता है। तो देखना वो बंदे को तो पहले मैं वापस नॉक कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे नॉक करता उसके टीममेट का प्री फायर आता है। मैं तो अभी ऐसी फाइट देखना मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। और भाई यहाँ पे ये एक गलती कर देता है ये सीधा ऊपर चला जाता और रीलोड कर देता तो मैं सबसे पहले अंदर घुस जाता। अब उसको लगता है कि भाई मैं इसके टीममेट को फिनिश कर दूंगा मगर मैं फिनिश नहीं करता मैं यहाँ पे रुकता हूँ और भाई वो अंदर की तरफ आता है और भाई इसको मैं नॉक कर देता हूँ। तो इसी के साथ ये दोनों बंदों को मैं नॉक करके सीधा फिनिश कर देता। और भाई अभी एक नया ड्रेस खुला है मेरा तो और इसके साथ ये इमोट फ्री मिला है तो मैंने कहा चलो ये इमोट ही यहाँ पे कर देते। तो भाई ये इमोट कैसा लगा आप लोगों को? तो इस इमोट के लिए भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। ये लोग के पास क्या ही तगड़ी लूट रहे थे। इतने भाई चेतन होश में आता है तो चेतन मुझे बोलता है भाई क्या हुआ? मैं क्या भाई कुछ हुआ नहीं यहाँ पे दो बंदे थे दोनों को मैंने मार दिया और भाई इधर आ जा बहुत सारी लूट पड़ी फटाफट लूट ले देखो जो जो चाहिए उसके बाद हम लोग दूसरे बंदों को मारते। तो यहाँ पे तो चेतन लूट रहा था इतने बंदे स्पॉट करता हूँ और भाई ये देखना स्कूल में क्या ही फायर चल रहा है। तो मैं चेतन को बोलता हूँ स्कूल पर फायर चल रहा है चल हम बड़ी बिल्डिंग जाते हैं वहाँ से हम लोगों को बंदे देखने मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं तो बड़ी बिल्डिंग में आया था चेतन तो वहीं अभी भी लूट कर रहा था। तो भाई जैसे मैं बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंचता हूँ चेतन की बिल्डिंग पे एक बंदा वहाँ पे बैठा होता है सामने स्कूल पे देख रहा था। तो सबसे पहले तो मैं इसको भरता हूँ और भाई इसको पता ही नहीं था कि पीछे से मैंने उसको मार दिया। तो भाई यहाँ पे तो ये एक ही बंदा था तो इसको मार देता। अब बचे जो स्कूल पे बंदे होते वो क्योंकि स्कूल पे सब मार लड़ झगड़ के सब मर गए होते तो मैं चेतन को बोलता चल अब तेरी बिल्डिंग में जाता हूँ वहाँ से बंदे ये वाले इजीली स्पॉट होंगे क्योंकि जोन आ रहा तो ये लोग गाड़ी में बैठेंगे ही। इतने भाई मैं चेतन आते वाते मैं बंदा स्पॉट कर रहा था इतने एक एक बंदा टेरेस के ऊपर स्पॉट होता है तो मैं फुल 6x करके उसके ऊपर स्प्रे मारता हूँ और थोड़ा सा उसको डैमेज देता हूँ। फिर मैं चेतन को तो चलो एक ही बंदा लग रहा है मेरे को अपने सामने बड़ी बिल्डिंग में जाता है ये गाड़ी में बैठेगा तो इसको पेल देंगे हम लोग। एक ना वो बंदा भाई एक गाड़ी में बैठता है अब ये लोग दो ही बंदे बचे होते हैं वहाँ पर लड़ झगड़ के। इतने भाई एक बंदा नीचे की साइड एक बंदा आता भी है तो चेतन बोलता है दोनों को बैठने तो फिर मारते। इतने भाई एक ही बंदा आता है तो भाई ये किल भी मैं चेतन का छोड़ लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज चेतन देता है चोर नहीं किया है मतलब थोड़ा सा डैमेज चेतन देता है थोड़ा मैं देता हूँ। तो यहाँ पे इसको तो मैं सीधा नॉक करके पूरा फिनिश ही कर देता हूँ। अब उसका एक और बंदा बचा होता है मगर वो दिखता नहीं है तो मैं क्या शायद ख़त्म हो गए होंगे मगर भाई इतने वो डिटेक्टर वहाँ पर डालता है तो जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर ये बंदा है। तो वो भाई स्मोक वोक करके गाड़ी लेने की कोशिश करता है हमने कहा गाड़ी में बैठ फिर तेको बता तो जैसे वो बैठता हम लोग उसके ऊपर फायर करते तो वो उतर के वापस अंदर की साइड चला जाता है। तो भाई जैसे ही अंदर जाता मैं चेतन को बोलता चल ये जोन बहुत काटेगा हम लोग निकलते इसको छोड़ इसको हम लोग आगे से पकड़ेंगे। तो भाई नीचे ऑलरेडी बगी खड़ी होती तो हम लोग वो बगी ले लेते और यहाँ से निकल जाते। तो हम लोग इधर की साइड होल्ड करते कि हमने कहा ये बंदा आएगा तो हम लोग उसको मारेंगे मगर भाई वो बंदा इधर आता ही नहीं है तो हम लोग भी यहाँ से वापस हमारी बगी लेते और निकल जाते। तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेक्टर के सस्ते नशे देखने मिलेंगे या ये डिटेक्टर के नशे बोलो या पबजी के नशे बोलो ये देखने आप लोगों को मिलेगा।
तो यहाँ पे हम लोग जैसे रुकते, मैं क्या एक डिटेक्टर डाल दो, अगर यहाँ पे कोई होगा तो पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे डिटेक्टर डालता हूँ, कोई बंदा स्पॉट होता नहीं। तो भाई मैंने कहा यहाँ पे लेट के वो बंदे के वेट करते, अगर वो आता है तो उसको मारेंगे। और अब देखना सीन, भाई ये बंदा सीधा साइड पे ही लेटा था, और ये बंदा डिटेक्ट भी नहीं होता डिटेक्टर में, जो कि डिटेक्टर मेरे बाजू में होता है। भाई क्या ही गंदा स्लीपर सेल था यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैं चेतन को मार करता, तो चेतन उसको मार देता और इजीली मेरे को रिवाइव दे देता है। और ये पता नहीं भाई, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। भाई आप लोग बताना, आप लोग के साथ कभी ऐसा सीन हुआ कि आपने डिटेक्टर डाला और बंदा डिटेक्ट नहीं हुआ? भाई क्या ही बचा मैं यहाँ पे। अब अगर चेतन नहीं होता तो भाई ये, इसने तो फायर छोड़ा ही नहीं था, पूरी पेटी बना के ही छोड़ता मेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैं बच गया। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल जाते आगे की तरफ। मैं कहा चेतन चल आगे जाते। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे होल्ड करते इतने, भाई यहाँ पे मैं कहा चेतन ट्रेकर डाल, मैं कहा देख ले भाई यहाँ पे भी कोई कमीना लेटा ना हो, नहीं तो हमारी पेटी बन जाएगी। तो यहाँ पे तो मैं ये ड्रॉप देख रहा था, इतने भाई चेतन उधर साइड ड्रॉप देख रहा था लेफ्ट साइड में। पता नहीं मैं ड्रॉप पे तो कोई बंदा दिख नहीं रहा, चेतन बोल रहा वहाँ पे बंदे बंदे, मैं कहाँ पे बंदे? फिर पता चल जाएगा चेतन तो लेफ्ट साइड का ड्रॉप देख रहा है। तो भाई मैं लेफ्ट साइड का ड्रॉप देखने पर आता हूँ, इतने में भाई ऊपर से एक डाशा जाती है, गाड़ी जा रही है। वही डाशे वाला बेचारा एक ही होता है, अब देखना मैं इसको कैसे मारने वाला हूँ। तो भाई मैं ऊपर से नीचे की साइड आता, इतने भाई ये देखो कार 98 चली। तो मैंने कहा ये कार 98 कौन चला? तो मैं वहाँ पे देखता तो वो डाशे वाला नीचे ही रुका होता है। तो भाई सबसे पहले मैं इसको मारता हूँ। तो भाई ये तो मेरे को इजीली किल मिल जाता है। और अब बचे भाई तीन बंदे जो कि ड्रॉप के पास ही होते हैं। तो अब वो देखना तीन बंदे को हम लोग क्या ही मारने वाले। इतने भाई जोन आता है तो चेतन को बोलते चल आगे जाते। इतने चेतन बारी पे एक बंदे को नॉक भी कर देता है। तो अब बचा दो बंदे, मगर भाई वो कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ट्रैकर डालता हूँ, मैं कह अगर ट्रैकर में कोई डिटेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, मगर भाई ट्रैकर में कोई डिटेक्ट नहीं होता बंदा। तो मैं देख रहा था इतने भाई सामने से एक ओम पड़ती, तो मैं फटाफट भागता हूँ, हालांकि ओम मेरे को पड़ती नहीं, मैं बच जाता हूँ। ये देखो स्प्रे मेरे पे आ रहा है। और अब वो लोग को वहाँ से निकलना है क्योंकि जोन वो लोग की तरफ होने वाला नहीं। तो अब मज़ा आने वाला है गेम के अंदर। मैं क्या अब तो बाहर आओगे ना। एक बंदा तो पत्थर की तरफ रोटेट कर जाता है लेफ्ट साइड में, और दो बंदे होते हैं जो कि घर में होते हैं। तो पत्थर वाले को तो मैं डैमेज देता हूँ काफ़ी सारा, मगर भाई वो बच जाता, पता नहीं कैसे यहाँ पे ये भी बच जाता। ये अभी केयर में शायद डिशिंग चल रहा है, इसीलिए भाई डैमेज देता। हम लोगों को बहुत फास्ट डैमेज होता, वो लोग डैमेज नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे छोड़ो ट्रैकर डाल देता हूँ एक, मगर ट्रैकर के अंदर कोई बंदा स्पॉट नहीं होता। इतने में वो बंदा स्मोक करके और आगे की तरफ आने की करता है। तो भाई वापस में इसको यहाँ पे मारता हूँ, मगर भाई यहाँ पे तो कोई वो बंदा दिखता नहीं। अब ये कब पत्थर के पीछे आ जाता है वो पता ही नहीं चलता मेरे को। इतने चेतन वो बंदे को नॉक कर देता। अब वो बंदा डिटेक्ट हो गया, और ये बंदा जिसको मैं मार रहा था वो ऑलरेडी नॉक हो चुका है, चेतन ने नॉक कर दिया। अब उसको बचाने के लिए एक और बंदा आता है उसका, और वो भी बंदा वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। मैं हो क्या रहा है, मतलब बंदे इधर कैसे आ रहा है, कुछ दिख तो रहा नहीं है। इतने भाई वो बंदे को भी चेतन नॉक कर देता है। तो मैं पूरा लेफ्ट से फ्लैंक कर जाता हूँ, तो मुझे दोनों बंदे दिखते, तो भाई मैं दोनों बंदों को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तब बचा आखिर का एक बंदा जो कि ओम चला रहा था कब से। मैं कहा अब बेटा दोबारा, इतने वो मुझे दिखता सामने की साइड, तो मैं उसको डैमेज देने ही करता हूँ, मगर भाई वो कवर में चलाया था। तो सबसे पहले मैं मेरा मेन हथियार निकालता हूँ जो कि ग्रेनेड, और कुक करता हूँ। इतने भाई वो बंदा ग्रोजा था, चेतन को नॉक कर देता, और भाई ये नेट से वो बंदा फूट जाता और हो जाता एक आसान सा चिकन डिनर। और भाई ये देखो MVP चेतन को देते, भाई कितनी चिटिंग है। चेतन के 7 किलो थे, मेरे 12, और डैमेज भी मेरा ज़्यादा था, पता नहीं कैसे। चलो खैर कोई बात नहीं। और लास्ट वाला ग्रेनेड आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हो सके तो लिंक को शेयर कर देना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भाई आके फटाफट फॉलो कर दो यार, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो फटाफट आके वहाँ पे फॉलो कर दो मुझे, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई जिस जिस सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यार वो लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का जो है नीचे वो दबा दो यार फटाफट, और सब्सक्राइब कर दो। और आगे भी हम ऐसे गेम प्ले लाते रहेंगे और आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।